और अब बात करेंगे बंगाल के सियासी रण की। कल टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद आज बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। इस बीच कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, जिसे लेकर आज जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रैली में लोगों को शामिल होने के लिए बाकायदा बीजेपी निमंत्रण पत्र दे रही है। कल मोदी की होने वाली रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, चार अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कल कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से कर रही है बीजेपी। बाकायदा निमंत्रण पत्र भी लोगों को भेजा गया है और कल का एक मुख्य आकर्षण यह रह सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में आएंगे। पीएम मोदी की परेड ग्राउंड की रैली की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज झा वहां मौजूद हैं। आइए सीधे आपको पंकज के पास लिए चलते हैं। पंकज, अखिलेश, वाकई में नंदीग्राम जहां से एक तरीके से कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को सत्ता मिली थी 2011 में, जब नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उससे पहले यहां पर कई हिंसा हुई थी, कई लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी। उस वक्त जो सेनापति थे ममता बनर्जी के साथ, जो कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी, उनका रोड शो है। आप देखिए अखिलेश, कल ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर से नहीं, जहां से वो विधायक थी। और शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से विधायक हैं, वो आज कल के ऐलान के बाद यहां आए। हालांकि उनका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि वो नंदीग्राम से ही लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि वो यहां से लड़े या ना लड़े, लेकिन ममता बनर्जी को हराना है। ये जो मंच सामने दिख रहा है अखिलेश, यहां पर रोड शो खत्म हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी मंच पर पहुंचने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी के परिवार का ईस्ट मिदनापुर इस पूरे इलाके में सालों से दबदबा रहा है यहां पर। और देखिए, यहां पर महिलाएं खास संख्या में आई हैं, जिन महिलाओं के बारे में ये कहा जाता रहा है अखिलेश कि वो ममता बनर्जी की बैकबोन है। जैसे बिहार में कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार का मजबूत वोट बैंक कोई है तो वो महिला है, एक तरीके से नंदीग्राम का जो चुनाव है ना, पूरे बंगाल का चुनाव है। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। शुभेंदु को मंच पर देखिए, यहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मंच पर पहुंचे हुए हैं ममता बनर्जी के उस ऐलान के बाद कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पहली बार शुभेंदु यहां आए हैं, उन्होंने छोटा सा रोड शो किया। ये उनका घर परिवार, उनका आंगन, सालों से वो यहां की राजनीति करते रहते हैं, करते रहे हैं। उनके पिता जो हैं वो खुद सांसद रहे हैं, वो खुद सांसद रहे और विधायक हैं अब। और एक बहुत बड़ी लड़ाई में ममता के सेनापति अब बीजेपी के पास, बीजेपी का सबसे बड़ा कैच ये है, तो मुकाबला नंदीग्राम का बेहद दिलचस्प हो गया है अखिलेश। बिल्कुल पंकज, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए और जरा ये भी बताइए, दरअसल मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, चूंकि ममता बनर्जी सामने होंगी और ममता बनर्जी एक बड़ी नेता तो है ही, साथ ही सबको पता है कि वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री अगली बार टीएमसी की सरकार बनी तो वही बनेंगी। ऐसे में शुभेंदु के लिए क्या ये लड़ाई किसी भी लिहाज से आपको लगता है कि आसान होने वाली है, चाहे उनका गढ़ भी क्यों ना हो नंदीग्राम? ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुकाबला उनके लिए आसान नहीं है, इस बात का एहसास उनको है। लेकिन आप जानते हैं ना कि जो दांव पेच वो ममता बनर्जी के साथ रहे, इतने सालों से नंबर टू की हैसियत में रहे, तृणमूल कांग्रेस में, पार्टी में, सरकार में, वो सारे दांव पेच, ममता के चुनाव लड़ने का तरीका, उनके रणनीति, सब कुछ वो जानते रहे हैं। और इसीलिए शुभेंदु जानते हैं, शुभेंदु ने जब नंदीग्राम में यहाँ थे, और ममता बनर्जी की जो छवि है ना फाइटर की, तो वो भी जानती हैं कि बहुत बड़ा खतरा है। अगर यहाँ से वो हार गई तो समझिए कि वाटरलू हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए। दोनों को इस बात का एहसास है, लेकिन ये सबसे बड़ा चुनाव है बंगाल का। और मान कर रखिए कि पिछले कई सालों में ऐसा चुनाव नहीं हुआ, इस तरीके का चुनाव है जैसे मधेपुरा में शरद यादव और लालू यादव का चुनाव होता था, उस तरीके का चुनाव बहुत दिलचस्प है। उनको पता है मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर में इससे बड़ा मुकाम कोई नहीं होगा। जरा मंच पर देखिए शुभेंदु अधिकारी कुछ बांग्ला में कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन केदार सरकार এরা কেউ শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে নন্দীগ্রামের জনগণ, সেটা বিগত দিনে আপনারা প্রমাণ করেছেন। আমি আমাদের রিয়াপাড়া সিদ্ধনাথজি মহাদেব মন্দিরের প্রাঙ্গণে এখানে আজকে রয়েছে, র্যালি শেষ করলাম। এটার আয়োজন করেছে মূলত এই মন্ডল, কৌশিক ভাই তাকে সাহায্য করেছে, পাশের মন্ডল অরূপ ভাই, সামনে আছে গৌতম জয়দেব, আমাদের অন্যান্য মন্ডল।
पंकज शुभेंदु बंगाली में बोल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों तक वो बात पहुंचाएं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जरा मुझे ये बताइए आज वहां पर लगातार आप मौजूद हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है आपको बीजेपी के लिए? देखिए एक बहुत दिलचस्प है, अखिलेश आप भी बिहार में थे और हम भी, और एक चीज़ वहाँ पे देखने में आ रहा था कि कई लोग जो वोट किसी और को देना चाह रहे थे पर वो बात बता नहीं रहे थे, यहाँ मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनके घर पर जिनके गाड़ी पर मुझे तृणमूल का झंडा मिला, और जब आप बात दिल खोल कर करते हैं तो वो कहने लगे कि नहीं इस बार बदलाव भी हो सकता है, यानी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मुकाबला बहुत दिलचस्प है, वोटर बाहर जो कह रहा है वो भी आपको एक तरीके से भरमा रहा है, जब ईवीएम के नतीजे आएंगे तभी साफ हो जाएगा कि इस चुनाव में आखिर किसका पड़ा भारी रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने वाटरलू का भी जिक्र कर दिया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, उससे पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ब्रिगेड मैदान के पास दीदी के पोस्टर लगाए हैं, संवाददाता आदर्श सिंह वहीं पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद हैं और कल यानी 7 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली करने वाले हैं, और इस रैली के लिए वो जिस रास्ते से जाएंगे वहां पर किस तरीके से टीएमसी पोस्टरों के जरिए एक तरीके से अगर यूं कहें कि स्वागत कर रही है तो गलत नहीं होगा, वो आप देख सकते हैं। दरअसल हम एयरपोर्ट जो है उसके ठीक बगल में मौजूद हैं और एयरपोर्ट के इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड मैदान की तरफ जाएंगे, और अगर आप इस रास्ते पर देखेंगे तो आपको ममता बनर्जी के पोस्टर यहां पर चारों तरफ दिखेंगे, यहां पर ना सिर्फ एक पोस्टर है बल्कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको यहां पर कई पोस्टर देखने को मिल जाएंगे, और इधर अगर आप देखेंगे तो जहाँ से ममता बनर्जी की शुरुआत होती है पोस्टरों की, वहाँ पर पहले पोस्टर से और दूसरे पोस्टर के बीच की दूरी महज तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी होगी, और उससे ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो 3 पोस्टर और लगाए गए हैं और इसकी भी दूरी तकरीबन 300 से 400 मीटर की होगी, उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और पोस्टर दिख जाएगा, और ये जो पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सड़क के एक हिस्से यानी एक साइड की तरफ के पोस्टर में दिखा रहा हूँ, अगर इससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे और भी कई पोस्टर 1 किलोमीटर की दूरी में ही तकरीबन 20 से 30 पोस्टर और देखने को मिल जाएंगे। कोशिश ये है कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जब रैली करने के लिए आएँ तो एक तरीके से ममता बनर्जी का पोस्टर उनके स्वागत में हर तरीके से हर जगह पर दिखे, और इसी कोशिश में टीएमसी ने रातों रात कई जगहों पर 10-10, 11-11, 12-12 पोस्टर एक ही जगह पर एक साथ लगाए हैं, और हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं, और शहर में बीजेपी के जो बैनर पोस्टर हैं वो बेहद कम देखने को मिल भी रहे हैं। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, कोलकाता। पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कोलकाता में पीएम मोदी की रैली बहुत बड़ी होने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोहिवाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भारी सभा को संबोधित करेंगे, इसमें क्या होगा खास इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल के प्रभारी हैं, क्या खास होगा इस बार? नहीं, ये बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी सभा होगी, जिस प्रकार जनता में उत्साह है और यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी हमारे पास कम पड़ गई हैं जिलों से जो खबर आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये देश की भी सबसे बड़ी रैली होगी, और यह मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, लोग चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में यह सरकार बने और सोनार बंगला बने। पश्चिम बंगाल में इस बार बात हो रही है कि मिथुन चक्रवर्ती को भी साथ में उसी मंच पर देखा जाएगा, क्या हो रहा? हो सकता है मिथुन दास से हमारी बात हुई है और यदि वो कल फ्री हो गए तो निश्चित आएंगे और आ सकते हैं उस मंच पर। सौरभ गांगुली और बाकी कई लोगों की भी बात हो रही है, उसमें भी क्या कोई बात है? नहीं, मेरी अभी सौरभ दास से कोई बात नहीं हुई है, मैं मीडिया से सुन रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं अभी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ लड़ना तय? देखिए भवानीपुर से भी वो हारने वाली थी, वो सोच रही है कि मैं नंदीग्राम जाके बच जाऊंगी, वहाँ पर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बंगाल में जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, तृणमूल कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली है, बीजेपी का रुख कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको और कितने लोगों को किन किन को शामिल किया जाएगा? देखिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, पर हाँ जो लोग डिजर्व करते होंगे उन्हें जरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे और आवश्यक हुआ तो टिकट भी देंगे, पर
हमें लगता है कि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास टिकट लेने वालों की संख्या बड़ी है, यह सुनिश्चित है कि सरकार बनने वाली है, और जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा टिकट मांगने वाले हों तो आप समझ जाइए कि उसकी सरकार बनने वाली है। ऐसे कितने लोग हैं, कितने विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस से, 50-100 कितने हैं जो बीजेपी में आ रहे हैं? नहीं, आ नहीं रहे हैं, आने वालों की संख्या तो 27-27 है, पर हम जिनको लेना होगा उनको ही लेंगे। महिलाओं की टिकट कितनी होगी, क्योंकि 60 की तो आप घोषणा करेंगे, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे लोग होंगे या चेहरे हो सकते हैं? ये तो जब लिस्ट आएगी जब आपको पता लग जाएगा, बाकी हाँ हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे, चाहे महिला हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे टॉलीवुड के लोग हों, इन सबको। और मेरा आखिरी सवाल, तीन बड़ी बातें जो इस बार प्रधानमंत्री की रैली में होंगी या संबोधन में आ सकती हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी की रैली में सबसे बड़ी बात तो ये कि बिगेस्ट रैली ऑफ द बंगाल होगी, ये मैं अभी से बता देता हूँ आपको। दूसरी बात है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आए हैं तो वो ये संदेश देकर जाएंगे कि बंगाल की क्षमता के अनुरूप बंगाल का विकास नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे। और तीसरी बात ये होगी कि इसके बाद पूरे बंगाल में मोहर लग जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। एक ओर जहां सरकार बनाने की कवायद है, भरोसा है, तो वहीं दूसरी ओर लड़ाई अभी जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। कैलाश विजयवर्गीय ये दावा कर रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली होने वाली है वो सबसे बड़ी होगी अब तक की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।